में एक तरफ लगेगा कंप्यूटर, आपका काम भी होगा और एक तरफ शूटिंग भी होगी, वही हो रहा है। एक तरफ शूटिंग चल रही है और दूसरी तरफ ये जनता का काम भी चल रहा है। पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को, किसी मंत्री को प्रलोभन देके वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको कहिए कि अब अगर वो हताश हो चुके हैं तो अब धीरे से अपना पार्टी वार्टी बंद करें और बंद करके संन्यास ले लें, और कोई रास्ता उनके पास नहीं है। वो जिस तरह की उनका सभ्यता है, उनका संस्कार है, उनकी राजनीति है, बाप के हाथ से माइक छीन लेना, बाप का साइकिल छीन लेना, चाचा को घर से निकाल देना, भाई को बलि पे चढ़ा देना आजमगढ़ भेज के, ये सब राजनीति, ये कैसी राजनीति है? ये राजनीति है जो राजनीति करते थे जिन्ना, देश बांट दो हमें कुर्सी चाहिए, तो ये जिन्नावादी राजनीति इनको शोभा देती है और ये वही करते हैं। और हम लोगों को ये ना सिखाएं कि हम लोगों को क्या करना है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार। हमसे बात करने के लिए एक बार फिर आजमगढ़ के सांसद और भोजपुरी के फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, और हमारे साथ में है हमारे राजीव भैया। हाँ दिनेश जी, आजमगढ़ में शूटिंग भी चल रही है, अब मैं देख रहा हूँ जनता दरबार भी चल रहा है। नहीं, इसका कारण ये है ना कि हम लोगों ने पूजनीय महाराज जी को जो बुलाया था आजमगढ़ में, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं यहाँ शूटिंग कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप आजमगढ़ में रह के शूटिंग करिए, ताकि आप जहाँ पे रहेंगे आपके पास जनता आ सकती है और आपसे अपनी बातें कह सकती है, कुछ समस्या है तो आपसे बता के सॉल्व करवा सकती है। तो बोले ठीक है महाराज जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो अगला सत्र हमारा चलेगा शीतकालीन, अब वो है 3 महीने बाद, तो 3 महीने हम आजमगढ़ में ही हैं, और आजमगढ़ में रह के हम जो जो लोगों की समस्या है, जो जो जिस मंत्रालय का काम है, वो सब हम लोग कर रहे हैं। साथ में हमने निर्माताओं को भी ये सूचित कर दिया कि हम लोग आजमगढ़ में ही हैं, अगर आप यहाँ आके कुछ शूट कर सकते हैं तो आ सकते हैं। तो जिन निर्माताओं को फिल्म बनानी है, वेब सीरीज बनानी है, वो लोग यहाँ आजमगढ़ आ रहे हैं। तो एक निर्माता आ चुके हैं, उनकी फिल्म यहाँ शुरू हो चुकी है, तो उनका काम भी चल रहा है, और एक हमारा दफ्तर दिल्ली में चल रहा है, एक यहाँ भवरनाथ में चल रहा है, और तीसरा हम लोग के साथ चल रहा है। ये जो भी समस्या आ रही है, जो भी किसी का काम आ रहा है, तुरंत यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं उसको, उसका प्रिंट निकाल रहे हैं, और संबंधित अधिकारी को या विभाग को तुरंत इसको भेज दिया जा रहा है, और फ़ोन पे बात करके वो कर दिया जा रहा है। तो ये साथ में ही रहेगा। जैसे खेत में हम बोले भी थे आप लोगों को जब चुनाव में आए थे कि खेत में एक तरफ लगेगा कंप्यूटर, आपका काम भी होगा और एक तरफ शूटिंग भी होगी, वही हो रहा है। एक तरफ शूटिंग चल रही है और दूसरी तरफ ये जनता का काम भी चल रहा है। एक पंथ दो काज, दोनों काज हो रहा है, और ये होना भी चाहिए। देखिए, मेरा भी काम नहीं रुकना चाहिए और जनता का काम भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी बाल बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना है लिखाना है, तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा तो मैं उनको कैसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, कैसे पालूंगा? तो मेरा काम भी नहीं रुकना चाहिए, और जनता ने मुझे अपना सेवक चुना है तो इनका भी काम नहीं रुकना चाहिए। मैं इनके बीच रहूं और जो भी समस्या आती है उसको हम लोग सॉल्व कर दें, क्योंकि यहाँ पे DM साहब हैं, SP साहब हैं, और बाकी सभी मंत्रीगण हैं। जिस विभाग का जो काम है, हम लोग एक फ़ोन करते हैं, एक लेटर देते हैं, और पूजनीय महाराज जी ने ऐसा आदेश किया हुआ है कि आजमगढ़ का कोई लेटर आएगा, बस उसी पे काम हो जाएगा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिनेश जी, आपने 1.5 साल का समय, काफ़ी समय भी कम रहा, चुनौतियां हैं आपके लिए, और जिस तरीके से जनता ने उम्मीद रखी है उनके लिए अब आप क्या क्या कर रहे हैं, ये तो आपको ध्यान में है ही। बिल्कुल। और बिल्कुल। अभी क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास बहुत कम समय मिला है, 1.5 साल, पर हमने जनता से वादा किया था कि हम 1.5 साल में आपको 15 साल का काम करके देंगे, और वो हम लोगों ने कर दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि जो काम इतने दिनों से बकाया था, लोग चाहते थे कि बनारस, आजमगढ़ और गोरखपुर को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाए, ताकि किसी को अगर बनारस जाना है तो आजमगढ़ से उसको मऊ न जाना पड़े, वो आजमगढ़ बैठे तो सीधा बनारस निकल जाए, आजमगढ़ बैठे तो गोरखपुर निकल जाए। तो वो माननीय रेल मंत्री जी ने पास कर दिया, आपकी रेल लाइन बिछनी भी शुरू हो गई है, वो काम हो गया आपका। दूसरा एक बड़ा काम ये था कि आजमगढ़ में जाम बहुत लगता था,
तो हमने हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं गडकरी जी, उनसे आवेदन किया कि हमको एक आजमगढ़ में रिंग रोड दीजिए। उन्होंने तो तत्काल पास कर दिया। अब आजमगढ़ में जितना हाईवे आ रहा है नेशनल हाईवे, वो शहर के बाहर ही सभी नेशनल हाईवे को जोड़ के एक रिंग रोड बनने जा रहा है, जिससे अगर कोई गोरखपुर से आ रहा है उसको बनारस जाना है तो रिंग रोड से निकल जाएगा, शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। वो समस्या का भी समाधान जनता चाहती थी, वो हो गया। आपके बेलैसा का जो पुल था बड़ा पतला था, जिसकी वजह से भी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उस पर भी 72 करोड़ पास हो गया, 72 करोड़, और वो आपका 4 लेन बनने जा रहा है। जो ओवर ब्रिज है वो भी आपका समस्या समाधान हो गया। इसके अलावा जो देवारा में जितने पुल थे, करीब 6 पुल थे जो 2007 से बन रहे हैं और आज तक बन ही रहे हैं, उसको भी मैंने माननीय हमारे जो PWD मंत्री हैं जतिन जी, मैं उनसे जाके मिला, उनको लिख के सब दिया। और उसके अलावा मैं कल जा कर के वहाँ देवारा में निरीक्षण किया, उसका वीडियो निकाला और जतिन जी को भेज भी दिया कि ये देखिए ये स्थिति है, 2007 से ये हो रहा है और इसको तत्काल कराया जाए। उन्होंने कहा इसको तुरंत हो जाएगा, तो वो भी देवारा का भी मामला सॉल्व हो जाएगा। जो देवारा में एक पुलिस स्टेशन की मांग थी, चौकी की मांग थी, वो भी पारित हो गया और मुझे लगता है इसी हफ्ते में हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे, वो भी पास हो गया है। उसके अलावा आजमगढ़ की जितने सड़कें हैं, जितना पुल है, वो सारा लिख करके जो बड़ा है वो मंत्रालय में भेज दिया गया है, और जो छोटा छोटा है वो मैंने सांसद निधि से सब लिख दिया कि ये सब करवा दो। जितना नाली खड़ंजा है पांचों विधानसभा का, सांसद निधि से ही सब करवा दो, वो सब भी लिख के दे दिया मैंने। और उसके अलावा जो नई समस्याएं आ रही है, नई मांगे आ रही है, कुछ कुछ चीज़ें आ रही है, उस पर हम लोग यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। तो मतलब एक पन दो काज भी चल रहा है। अब आते हैं थोड़ा राजनीति की तरफ, रोड की और रिंग रोड की तो बात आपने कर ली। अखिलेश भैया कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का हमने वो दिया, गवर्नमेंट BJP जो है उसे क्रेडिट लेती है, बहरहाल। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी राजनीतिक बयान इस तरीके से आ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने कहा 100 सीट लाइए, विधायक बनाइए, इशारा केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ। क्या ये तंज किस तरीके का है और किस तरीके से ये प्रलोभन दिया जा रहा है? इसमें उनकी हताशा दिखती है कि वो कितने हताश हैं। अब वो भी जान चुके हैं कि वो खुद के दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो दूसरों को प्रलोभन दे रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं। पर उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो विचारधारा के लिए काम करता है, वो किसी पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करता है। हमको कोई पद नहीं चाहिए, हमको कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमको हमारी विचारधारा जो है हम उस पर चल रहे हैं। हमको जीवन में कुछ ना मिले फिर भी हम यहीं रहेंगे, यही काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को, किसी मंत्री को प्रलोभन दे के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको कहिए कि अब अगर वो हताश हो चुके हैं तो अब धीरे से अपना पार्टी वार्टी बंद करें और बंद करके संन्यास ले लें, और कोई रास्ता उनके पास नहीं है। नहीं, ये दुखती रग क्या हो सकती है केशव मौर्य को लेके जो बयानबाजी आई है, जो 100 विधायक लेके आने की बात कही, तो क्या ये दुखती रग है? मुझे लगता है कि वो उनका षड्यंत्र है। ये पूरी दुनिया जानती है कि केशव मौर्य जी से वो कितनी नफरत करते हैं, और पूरी दुनिया ने देखा कि आप विधानसभा में खड़ा होके जिस नेता के पिता का नाम लेकर के इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो आप उनके इतने सगे हो गए अचानक से कैसे? तो ये उनका षड्यंत्र है, वो इस तरह की राजनीति करते हैं, और उनका जो पालन पोषण हुआ है इसी तरह की राजनीति में हुआ है, इसलिए वो यही सीखे हैं, यही करेंगे जीवन भर। हम लोग ये राजनीति न सीखे हैं न जीवन में करेंगे। हम लोग जब राम मंदिर की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? एक आदमी जिसको कल राजा बनना है, सबसे बड़े राज्य का राजा बनना है, और उसको जब उसके पिता बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा जंगल चले जाओ 14 साल, वो बेटा एक बार भी कुछ नहीं बोलता, ऐसे हाथ जोड़ता है, और जब माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि माँ पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, और निकल गए जंगल। इस तरह की संस्कार रखने वाले और सभ्यता रखने वाले, शिक्षा रखने वाले हम लोग हैं, पर वो जिस तरह की उनका सभ्यता है, उनका संस्कार है, उनकी राजनीति है, बाप के हाथ से माइक छीन लेना, बाप का साइकिल छीन लेना, चाचा को घर से निकाल देना, भाई को बलि पे चढ़ा देना आजमगढ़ भेज के, ये सब राजनीति, ये कैसी राजनीति है?
ये राजनीति है जो राजनीति करते थे जिन्ना, देश बांट दो हमें कुर्सी चाहिए, तो ये जिन्नावादी राजनीति इनको शोभा देती है और ये वही करते हैं। हम लोग इससे दूर दूर तक वास्ता नहीं रखते और हम लोगों को ये ना सिखाएं कि हम लोगों को क्या करना है। दिनेश जी, संसद की बात हो गई, विकास की बात हो गई, अब फिल्मों की शूटिंग पे आते हैं। इस वक्त आप आजमगढ़ में हैं और लगभग मेरे जानकारी में जहाँ तक 300 फिल्मों का ऑफर है आजमगढ़ में। बिल्कुल, तो किस तरीके की फिल्में बना रहे हैं और आपके साथ तो आम्रपाली जी भी हैं। जी, यहाँ पे अभी जो फिल्म शूट हो रही है उसमें आम्रपाली दुबे जी हैं, अक्षरा सिंह जी हैं और संजय पांडे जी हैं, नीलम जी हैं, हमारी किरण यादव जी हैं, ये जो अभी फिल्म बन रही है। और इसके बाद लगातार बहुत सारी फिल्में हैं और उसके ऊपर भी हम लोगों ने महाराज जी से बात किया था कि पहले तो हम यहाँ अपना काम करते हैं, अगर निर्माता लगातार यहाँ आने लगे कि हम आजमगढ़ में भी शूटिंग करने को तैयार हैं, तो आने वाले दिन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें कोई जगह मिलती है तो हम यहाँ फिल्म सिटी भी बनवाएंगे आजमगढ़ में, ताकि लोगों को सहूलियत हो। अगर लगातार यहाँ शूटिंग करनी है तो फिल्म सिटी का निर्माण भी हो जाए। एक हमने महाराज जी को लिख के दिया है आपका तमसा रिवर फ्रंट के लिए कि वो बन जाए तो वहाँ भी एक अच्छा दृश्य होगा शूट करने के लिए। तो शूटिंग तो यहाँ अब लगातार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम लोग अगर मुंबई नहीं जाएंगे, हम अगर आजमगढ़ में रह के काम करेंगे तो निर्माता लोग तैयार हैं कि हम आजमगढ़ आके ही शूटिंग करेंगे, तो जो लोग आएंगे उनके लिए हम लोग यहाँ सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यहाँ लोकल कलाकार बहुत हैं, आजमगढ़ में इतने कलाकार हैं कि कहीं से कलाकार लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कैमरा लेके आइए, आप डायरेक्टर लेके आइए, अपनी टीम लेके आइए, कलाकार आपको आजमगढ़ में मिल जाएंगे, आप फिल्म बना के लेके चले जाइए। जी, अच्छा दिनेश जी, एक सोशल मीडिया पे और बातें चल रही हैं कि आपके साथ सहयोगी जो आम्रपाली जी हैं, हाँ, उनको चुनाव में आने की बात आ रही है कि संसद का चुनाव भी लड़ाएंगे आप या विधायकी का करेंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं, इस पर हम आपका कमेंट। अब मुझे किसी ने कल पूछा था तो मैंने ये कहा था कि जो हम कलाकार लोग होते हैं, हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे या हम इस जगह से लड़ेंगे। कलाकार को पार्टी डिसाइड करती है कि भाई इस कलाकार को यहाँ से लड़ा दिया जाए, तो वो पार्टी का काम है, वो ना मेरा काम है, ना आम्रपाली दुबे का काम है, ना पवन सिंह का काम है, ना रवि किशन जी का काम है, ना मनोज तिवारी जी का काम है। कलाकार सिर्फ किसी एक विचारधारा को सपोर्ट करता है। हम लोग सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, पर हम ये नहीं कहते हैं, अगर हमको कह के लेना होता तो हम तो बोले होते कि हमको गाजीपुर लड़ा दीजिए, इतनी मुश्किल सीट पे हम क्यों आए होते। सही बात, ये तो सबसे मुश्किल सीट है ना हम लोगों के लिए, तो हम तो कभी नहीं आते, पर पार्टी डिसाइड करती है कि आपको कहाँ लड़ना है। तो पार्टी ने जैसे हमको यहाँ भेजा लड़ने के लिए, उनको भी कहीं भेजेंगे तो वो भी लड़ जाएंगी, मैंने ये कहा था। मतलब आप ये पुष्ट करते हैं कि राजनीति में आम्रपाली जी की भी हिस्सेदारी भविष्य में देखी जा सकती है। वो डिपेंड करता है, देखिए मैं भी नहीं आना चाहता था राजनीति में, पर पार्टी ने आदेश दिया तो मैं आया ना, वैसे उनको भी आदेश होगा तो वो भी आ जाएंगी, पवन सिंह को आदेश होगा वो भी आ जाएंगे, रितेश पांडे को आदेश होगा वो भी आ जाएंगे, ये सब लोग हमारी विचारधारा के हैं और इनको जिस दिन आदेश मिलेगा ये आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। जी दिनेश जी, शूटिंग का माहौल है, पिक्चर चल रही है, डायलॉग भी हैं, गाने भी हैं और यूपी तक से आप बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके गुनगुनाने से कुछ काम चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए अभी क्या है कि हम लोग ना कहीं भी चले जाते हैं, हम सिनेमा करें, हम कहीं टूर करें, हम दुनिया के किसी कोने में जाएं, पर हम एक बात याद रखते हैं कि हम जिस ज़मीन से गए हैं, हम जहाँ पैदा हुए हैं, वो ज़मीन को नहीं भूलना चाहिए। तो उस पर मैं आपको दो लाइन सुनाता हूँ, कहीं कमाए ला चल जाई हा, पेट के सवाल बा, सबसे जरूरी जग में रोटी और दाल बा, उ माटी ना छोड़ी हा जहवा, खड़ियाइल तोर पाँव रे, मत भूलई हा परदेसी अपन गाँव रे, मत भूलई हा परदेसी अपन गांव रे। तो आप जहां भी जाइए, जितना तरक्की कर लीजिए, पर अपने गांव घर को याद रखिए, अपने गांव के लोगों को याद रखिए, जिन लोगों ने आपको कुछ लायक बनाया है उनको मत भुलाइए। जी
बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि रोटी और माटी भी नहीं छोड़ना है, और इस तरीके के प्रोफेशन के साथ साथ वो अपने संसदीय क्षेत्र को भी देख रहे हैं और यहाँ पे जनता दरबार भी लगाए हैं और दोनों काम वो निपुणता से कर रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।